सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा जरूर। ठीक, 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके 70 नंबर पूरे पक्के करने वाले हैं। बस इतने क्या कर लो, तैयार कर लो, बस आपको 70 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। चलिए एक एक टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ से सबसे पहला है संयोजन तथा वियोजन में वियोजन अभिक्रिया। ठीक, यहाँ आपके टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरे की बात करें हम। दूसरा यहाँ टॉपिक है ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यह भी आपके इसमें से भी आपके दो या तीन क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो अब तीसरा यहाँ से क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण तथा संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, यहाँ से आपके भी एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, और आप भी इन टॉपिक पर अगर विशेष ध्यान दे देते हैं तो आपके 70 नंबर पूरे तरीके से पूरे होने वाले हैं। ठीक, चौथा यहाँ से बात करें, चौथा है यह अम्ल क्षार एवं लवण का परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक, तो अम्ल क्षार लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो यह टॉपिक आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए सब पूरे किताब से हमने पूरे किताब की टॉपिक एक एक टॉपिक बता रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और टॉपिक को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके पूरे के पूरे 70 नंबर आने वाले हैं। चलिए पांचवे नंबर की हम बात करें, तो यहाँ से पांचवा नंबर आपके टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक, तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि यह भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो कि आपके दो नंबर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इसी 50 टॉपिक को कवर कर लीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से 70 के 70 नंबर आपके मिल जाएं। ठीक, तो चलिए यहाँ से छठा नंबर हम बात करें धवन सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा और धवन सोडा दोनों में से किसी न किसी एक क्वेश्चन एक में दोनों में से किसी न किसी एक पर जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो दोनों तैयार कर लीजिएगा क्योंकि दोनों में से किसी न किसी एक पर जरूर आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो यहाँ से सातवां नंबर है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि होती है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और हर बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, अब यहाँ से अब आठवां नंबर है उदासीनी अभिक्रिया। ठीक, उदासीनी अभिक्रिया जो समीकरण होते हैं उन समीकरण को हल करने की जो हल करने पर उदासीनी अभिक्रिया जो होती है उसी को यहाँ पर पूछता है। ठीक, उसी को आपको बताना है। चलिए आगे बात, चलिए नौ नंबर हम बात करें धातु और अधातु के बारे में। ठीक, धातु अधातु के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। ठीक, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको धातु अधातु के बारे में पता हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से दसवां नंबर है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आप लोग पूरे हम बता रहे हैं पूरे किताब से यहाँ टॉपिक है जो कि पूरे किताब से हमने यहाँ टॉपिक को उठाया है ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए और आप पूरी तरीके से इन टॉपिक को पढ़ सके और कवर कर सकते हैं। ठीक, 11 नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोजन को बताइए। ठीक, इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से 12 नंबर है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या होती है, ठीक, इसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक, तो आपको बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आ जाएं। ठीक, चलिए यहाँ से हम 13 नंबर बात करें तो आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी नामकरण के बारे में पूछ रहा है, तो आईपीएससी नामकरण जो कि हमने वीडियो बनाया है तीन वीडियो बनाया है जो कि आपको बेसिक लेवल से और एकदम आपको बेसिक लेवल से भी समझाया है और उसके बाद और भी वीडियो बनाया है जो कि पूरे जितने भी आईपीएससी नामकरण होते हैं 36 उसको भी पूरी तरीके से बताया है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा,
उसको तो आप आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से आपको बात करें साबुन बनाने की अभिक्रिया विधि। ठीक, साबुन बनाने की अभिक्रिया विधि, तो साबुन बनाने की अभिक्रिया विधि को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो हम बता रहे हैं कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बस इन्हीं सभी टॉपिक को आप आसान तरीके से कवर कर लीजिएगा, आपके पूरे के पूरे 70 नंबर आने वाले हैं। ठीक, यहाँ से 15 नंबर यदि हम बात करें, चलिए 15 नंबर है एसटीकरण अभिक्रिया। एसटीकरण अभिक्रिया यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों हम कहें तो यहाँ पूरे जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे टॉपिक, पूरे किताब से यह टॉपिक हमने बनाया है, तो आप आसान तरीके से इन सबको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए। ठीक, 16 नंबर है मेंडलीव के आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी पर हमने एक वीडियो बनाया है, तो उस आवर्त सारणी वाले वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को पूछा जाता है, किस प्रकार से हम उसका उसका क्या करते हैं संयोजित, कि हम किस प्रकार से उसके एफ ब्लॉक को समझते हैं। ठीक, तो उसको देखिएगा उस वीडियो को, तो आसान तरीके से समझ में आपको आ जाएंगे। यहाँ से 17 नंबर है दीर्घकार आवर्त सारणी। तो यहाँ भी दीर्घकार आवर्त सारणी यह मेंडलीव के आवर्त सारणी में ही आपको मिल जाएगी। ठीक, तो आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ से पाचन तंत्र, ठीक, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाचन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है, तो आप पाचन तंत्र के, अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है, आपको इस पर भी वीडियो हम बना के बता देंगे कि पाचन तंत्र किस तरीके से किया जाता है। 19 नंबर है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पर भी अभी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आपको आसान तरीके से हम बता देंगे कि हाँ आपको श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र का वर्णन, सचित्र वर्णन कैसे करना है। ठीक, चलिए आगे 20 नंबर बात करें उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र भी, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो कि बायोलॉजी से है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दिक्कतें ना आए। ठीक, 21 नंबर है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक, और उस 22 नंबर है अलैंगिक जनन। दोनों में भी दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम बात करें 23 नंबर, तो 23 नंबर है परागण, ठीक, और पुष्प की संरचना। अभी हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन पुष्प की संरचना इस पर वीडियो बना देंगे, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करें हम 25 नंबर, 25 नंबर में नर तथा मादा जनन तंत्र, नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में। तो ठीक, हमने इस पर वीडियो बनाया है, तो आप आसान तरीके से देख सकते हैं। आपको यदि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बता देंगे कि आपको उसमें किस तरीके से नर और तथा मादा जनन तंत्र में, ठीक, इसका किस प्रकार से क्या करते हैं, कि आपको सचित्र वर्णन किस प्रकार से करना है, तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए 26 नंबर यदि हम बात करें तो डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। आप कोई भी प्लास्टिक सेट, आपको जितने भी प्लास्टिक सेट आप खरीद लीजिए, उस प्लास्टिक सेट को हल कीजिए, तो आपको इन सब जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं, आपको इन सब टॉपिक पर आपको उसमें टॉपिक जरूर मिल जाएगा। 27 नंबर है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। ठीक, मेंडल के अनुवांशिकता का क्या नियम है, तो ठीक, आपको भी यदि आपको यह टॉपिक यदि कठिन समझ में आता है, तो आप जिस टॉपिक में आपको कठिन समझ में आता है, आप उस पर कमेंट कीजिएगा उस टॉपिक पर। ठीक, तो हम आपको आसान तरीके से बता देंगे कि किस तरीके से इनको हल करना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक, और 28 नंबर है एक सरकर तथा द्वि सकर करण का को बताइए। ठीक, तो ठीक, आपको आसान तरीके से यह भी समझ में आ जाएगा। और चलिए यहाँ से हम 29 नंबर यदि बात करें तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, उसे क्या किस तरीके से किया जाता है। ठीक, इस पर वीडियो हमने अभी नहीं बनाया है, तो आपको जल्द ही वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, यदि हम कह रहे हैं कि यदि आपको किसी टॉपिक पर यदि नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको आसान तरीके से
टॉपिक बता देंगे। ठीक, तीसरा नंबर है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन इस पर वीडियो हमने बनाया है, तो आप प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, एकदम बेसिक आसान तरीके से बनाया है, तो आप उसको समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ से अब 31 नंबर है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक, इस पर भी वीडियो हमने बनाया है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक जरूर मिल जाएगी, ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इस पर भी वीडियो बनाया है, क्योंकि प्रकाश जब इस प्रकाश किसी सीधी रेखा से आकर थोड़ा विचलित हो जाती है, बस यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस पर वीडियो हमने बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्हीं सब वीडियो को देखने पर लेंस का भी वीडियो हमने बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए 34 नंबर, यहाँ से बात करें लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किस प्रकार से नापा जाता है। ठीक, तो उसका जो सूत्र होता है D बराबर वन अपान एफ। ठीक, डायोप्टर यही सूत्र होता है, तो इसी सूत्र के अनुसार से हम लेंस की क्षमता को नापते हैं। ठीक, तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलिए यहाँ से हम 35 नंबर यदि बात करें, 35 नंबर यहाँ से है निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है। ठीक, ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निकट दृष्टि दोष किस कारण होता है, आप उसका निवारण किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो आपको वीडियो अभी नहीं हम बनाए हैं, लेकिन आपको जल्द ही वीडियो बना के दे देंगे, आप आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। 36 नंबर है दूरदृष्टि दोष क्या होता है। ठीक, इस पर भी वीडियो अभी नहीं बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। ठीक, तो आप उसको समझना आसान हो जाएगा आपको, यदि हम वीडियो बना के दे। चलिए आगे हम बात करें मानव नेत्र की संरचना। तो मानव नेत्र की संरचना के बारे में हमने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो की लिंक दे देंगे, तो आप आसान तरीके से देख सकते हैं। ठीक, 39 यहाँ से 38 नंबर है ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम आप आसान तरीके से समझ सकते हैं, और उसको बाद आप पूरे टॉपिक को पढ़िएगा, जितने भी टॉपिक, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द, कहने का अर्थ फरवरी में ही आपके होने वाले हैं, तो आप इन सब टॉपिक को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, 39 नंबर है विद्युत धारा क्या होता है। ठीक, इस पर भी वीडियो हमने अभी नहीं बनाया है, जल्द ही वीडियो आपको बना देंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। 40 नंबर है वशिष्ठ प्रतिरोध। ठीक, वशिष्ठ प्रतिरोध यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में इस पर। यहाँ से हम 41 नंबर की यदि बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जो कि आपके दिमाग को घुमा देते हैं, भाई आपको दिमाग के घुमा देते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हमने इस पर वीडियो एक दो बनाया है, तो और भी वीडियो अभी हम और भी वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको एकदम आसान तरीके से इनके जितने भी क्वेश्चन आते हैं समझ में आ जाए। ठीक, तो यदि आगे हम बात करें तो समांतर क्रम, यह भी आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक, आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। 43 नंबर है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं। 44 नंबर है बायो सेवर्ट नियम, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से 45 नंबर यदि बात करें फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, यहाँ इस पर हमने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आसान तरीके से समझाया है, तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। विद्युत मोटर, इस पर भी विद्युत मोटर पर भी वीडियो बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे। विद्युत जनित्र, ठीक, 47 नंबर है विद्युत जनित्र, यहाँ भी वीडियो, इस पर अभी वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी ही इस पर वीडियो हम बनाने वाले हैं। ठीक, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से। ठीक, यहाँ से 48 नंबर है फैराडे का नियम, यहाँ भी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक, समझ में आ जाएगा आपको बहुत ही जल्द। ठीक, यहाँ से
परत तथा अपच, ठीक, ओजोन परत तथा अपच, यह भी आपके लिए बहुत ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं या नए टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जब नए टॉपिक से जुड़े हुए हैं क्वेश्चन, उस बहुत ही ज्यादा आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ से 50 नंबर आपका है ऊर्जा का स्रोत, ठीक, ऊर्जा का स्रोत। यहाँ जितने भी आपको 50 टॉपिक हमने बताया है, तो आप इन सबको आसान तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे 70 नंबर मिल जाए, ठीक। और जितने भी आपको टॉपिक कठिन समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको आसान तरीके से जरूर बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।